हेलो एवरीवन, सो हम स्टार्ट करेंगे मैथ का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ओएसएससी सीजीएल हेलो आज टू स्टार्ट हो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आज करा हो आज काली एमती चलला टिल एग्जाम आमे करबा जो दिन एग्जाम थिबो एग्जाम रो प्रीवियस डे जाए ए सीरीज कंटिन्यू हो ठीक अछि आपण जानि पाले तो आज चलला काली चलला एमती चलिबो सब दिन 15 20 मैथ क्वेश्चन एज पर एग्जाम सिलेबस आमे प्रैक्टिस करबा टिल एग्जामिनेशन हैला सो लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करिया अगुरु फर्स्ट आमे सिलेबस टाउ देखिया कि ओएसएससी सीजीएल रो मैथ सिलेबस कोन अछि चेक करबा सेटा तापर हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करबा ठीक अछि लेट्स स्टार्ट आपण सिलेबस रे टिके माने चेक कर दो सिलेबस होछि कोन एटा हम बेसिकली ओएसएससी रा ऑफिशियल वेबसाइट रु ओए माने ओएसएससी ऑफिशियल वेबसाइट रु ओएसएससी सीजीएल रो जो एडवर्टाइजमेंट थिला एडवर्टाइजमेंट रो स्क्रीनशॉट नै छि मु सिलेबस रो ठीक अछि आपणकर ओएसएससी रा ऑफिशियल वेबसाइट रु जो सीजीएल रा एडवर्टाइजमेंट बाहर थला मु ता भितरु सिलेबस रो स्क्रीनशॉट नै छि सेटा हम आपणको एट देखौ छि हैना एट लिखाइ छि आपणको सिलेबस ऑफ रिटन एग्जाम एग्जाम एंड दिस इज सीबीआरई माने दिस इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हैला ओएसएससी सीजीएल जो एग्जाम होबो दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीजीएल हैला ओके तो फर्स्ट हम देखिया मैथ सिलेबस चेक करिए मैथ रा आपण चेक कर पाइबे एटी लिखाइ छि पेपर 1 मैथ एंड रीजनिंग 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स 1.5 आवर्स हैला ओके तो बेसिकली 90 मिनट्स सो मैथ सिलेबस आपण चेक करू लिखाई छ आपनकर फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स हैला फ्रैक्शन परसेंटेज इक्विवेलेंस पढ़े छ मोर चैनल रे फर्स्ट टॉपिक अरिथमेटिक पढ़ाई थला फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स तापर थिला आपनकर परसेंटेज एवरेज सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तापर रेट्स टैक्सेस इंश्योरेंस तापर होची प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मिक्सचर पार्टनरशिप तापरे होची मिक्सचर पार्टनरशिप तापरे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क टाइम फ्री डिस्टेंस रेशियो प्रोपोर्शन आउ स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ओके तो आप देखि पडचंती कि 90% होची अरिथमेटिक बेसिकली 90% सिलेबस होची अरिथमेटिक अरिथमेटिक मु ऑलरेडी मो चैनल रे पढ़ाई सारी छी आपनकु एएसओ पई कंप्लीट अरिथमेटिक मु पढ़ाई छी आपन सेही वीडियोस गुडा चेक करिवे सब टॉपिक रे आपनकु वीडियो मिलि जिवो हला प्लेलिस्ट चेक करिवे ऑनलाइन मो चैनल चेक करिवे सब टॉपिक आपन परसेंटेज हेगला एसआईसीआई हेगला एवरेज टा खाली पढ़ाईनी एवरेज टा पढ़ाईनी आ प्रोबेबिलिटी पढ़ाईनी ए दिटा टॉपिक छाड़ दिला बाकी सब पढ़ाई छी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई छी हला आ खाली जो रेट्स इंश्योरेंस एई रेट्स टैक्सेस एई पार्ट हम पढ़ी देबे ओतरे आ बाकी सब जिंस आपन को मिल जिवो ठीक अछि आपन सेई जो वीडियो थ्रू आपन को कांसेप्ट क्लियर करिवे आपन को कांसेप्ट आपन से वीडियो को क्लियर कर देबे हला तापर क्वेश्चन हम एठी प्रैक्टिस करिवा प्रैक्टिस क्लासेस रे कांसेप्ट सब एग्जाम पई सेम थाए सब टॉपिक रे कांसेप्ट सेम थाए आ एक्स्ट्रा मते आउ थरे पढ़ा दरकार नै एडा कने कांसेप्ट सेम थाए टॉपिक रे कांसेप्ट सेम क्वेश्चन हां एएसओ रे टिके डिफिकल्ट क्वेश्चन आसीबो या धरे टिके इजी क्वेश्चन आस परियो हैना ए जंसो आ हम एठी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवा सेशंस आज टू स्टार्ट ला प्रैक्टिस क्लास 1 आज काली हबो पर दिन हबो एमि चालिबो टिल एग्जाम जों आपन एग्जाम थिबो एग्जाम रो प्रीवियस डे जाय ए क्लासेस चालिबो हला सब दिन हमें 15 रु 20 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करिवा ईच एंड एवरीडे 15 रु 20 मैथ क्वेश्चंस हमें सब दिन एज पर द सिलेबस हम प्रैक्टिस करिवा और दिस इज मोर देन सफिशिएंट सब दिन भावनांदी सब दिन 15 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करले मल्टीप्लाई कर दंतु केते दिन हलानी हला आपनकर केते क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर दिथिया आ सब क्वेश्चन आपनकर मेथड होची आपन वीडियो पॉज करिवे निजे सॉल्व करिवे निजे ट्राई करिवे तापर मु एक्सप्लेन करिवे आपन चेक करिवे ठीक अछि ओके सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 एडा होची परफेक्ट आपनकर ओएसएससी सीजीएल लेवल रे क्वेश्चन परफेक्ट ओएसएससी सीजीएल क्वेश्चन त आपन एडा वीडियो पॉज करिवे निजे ट्राई करिवे प्रॉफिट लॉस रे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस टॉपिक मु पढ़ाई दी छी आपन चैनल रे वीडियो चेक करि परिवे कांसेप्ट जानिया पई ओके तो एठी कोन हे छी देखंगु एडा आपन ओरली सॉल्व करि परिवे पेन भी पिक करा दरकार नै एठी पेन भी पिक करा दरकार नै हला ओके सो बेसिकली कोन होई छी शॉपकीपर सेज ही सेल्स हिज गुड्स ऑन कॉस्ट प्राइस सेल करू छी बट यूजेस 950 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी 950 ग्राम यूज करू छी इंस्टेड ऑफ 1 केजी त माने शॉपकीपर 950 ग्राम यूज करू छी बट कस्टमर तो जाननी ना कस्टमर गोटे केजी पे पैसा पे करिवो ठीक अछि कस्टमर गोटे केजी रो पैसा पे करिवो बट शॉपकीपर चीटिंग कर दे छी 950 ग्राम यूज करू छी 1 केजी जगह रे ठीक अछि त प्रॉफिट केते हेगला प्रॉफिट 50 ग्राम रह गेला त पॉकेट रु केते जिंस जाउची त पॉकेट रु जाउची 950 ग्राम वर्थ रो जिंस जाउची हला डिवाइड बाय 950 आपण आहुरी आपणकर ईज ऑफ कैलकुलेशन पई आपण मानि परिवे यदि आपणको टिके माने कांसेप्ट डाउट अछि त मानि परिवे आपण 1 ग्राम इक्वल टू 1 रुपीस आपण एटा मानि परिवे हला पर दरकार नै एटा बहुत सिंपल क्वेश्चन हला आपण जानि परले 50 रो प्रॉफिट होची ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट व्हिच इज 950
into 100 এটা হচ্ছে তার প্রফিট ঠিক আছে এটাকে তো হিসাব চেক করে দিওন্তু দিস ইজ 1/19 × 100 হনি এটা দিস ইজ 1/19 হলো ওয়ান মিনিট মানে দিস ইজ বেসিক্যালি 100/19 হুইচ ইজ যদি মিক্সড ফ্র্যাকশন আমি লিখিবি দিস ইজ এটা এটা হচ্ছে আপনার आंसर অপশন ডি 5 whole 5/19% ঠিক আছে তো লেটস চেক দ্য সেকেন্ড কোশ্চেন क्वेश्चन नंबर टू इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 46% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स टू पास माने 46% हो ची अपन तरह पासिंग परसेंट ठीक है जी अ स्टूडेंट गेट्स 222 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल माने 222 मार्क रखी ची से फेल है गला फेल्ड बाय 31 मार्क्स माने आउ 31 एक्स्ट्रा रखले से पास हो जीवो माने पास आउ केते दरकार 222 प्लस 31 दिस इज बेसिकली इक्वल टू हाउ मच This is basically equal to 250. How much? 253. Right? 253 marks. माने 46% रो वैल्यू टा हो ची 253 marks. ठीक है पूछा जी कौन? What is the maximum aggregate marks the student can get? Okay. ताहले 46% रो वैल्यू टा हो ची 253 marks. क्या ना 46 का passing percent? Passing marks 253. ताहले 100% रो वैल्यू कितने हो? कितने हो? बहुत simple. This is 550. Right? Option A. Let's see the next question. क्वेश्चन थ्री आप कौन कहला मिल्क कंटेन्स 5% वाटर 5% वाटर माने मिल्क क्वेश्चन पढ़ो पढ़ो लिखिया स्टार्ट करिए मिल्क इज टू वाटर रेशियो के 5% वाटर 5% हम जान छी 1/20 हला त माने 20 यदि टोटल 1 पार्ट हो छी वाटर 1 पार्ट हो छी वाटर तले मिल्क केते बचला 19 पार्ट्स राइट ओके ये गला 19:1 हो छी मिल्क इज टू वाटर रेशियो तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड हमें मिल्क ऐड कर चाहिए प्योर मिल्क है टू 10 लीटर ऑफ यूज रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू 2% 2% रो हेल्ड केते दिस इज 1/50 तमें टोटल होची 50 ता भीतर वाटर होची 1 पार्ट वाटर यदि 1 पार्ट ताले मिल्क के थियो 49 पार्ट्स ठीक अछि एटा होची इनिशियल एटा होची फाइनल राइट एठी हमें कोन ऐड कर चंती हमें मिल्क ऐड कर चंती तमें मिल्क ऐड कर चंती ताले वाटर टा सेम करियो पडिवो देखंतु वाटर ऑलरेडी सेम अछि 1 आ 1 ऑलरेडी सेम अछि मो रेशियो टॉपिक के डिटेल पढ़ी छी एटा कोन केमती सेम करू छी कोन नाही सब पढ़ी छी हला ओके ताले बेसिकली हम केते ऐड करू छी मिल्क देखंतु 19 रु 49 माने 30 यूनिट्स मु ऐड करू छी 30 यूनिट्स मिल्क ऐड करू छी हला ओके 30 यूनिट्स ऐड करू छी बट एठी फाइनल क्वांटिटी दे छी केते आपन को 10 लीटर्स माने ए जो 49 प्लस 1 माने दिस इज बेसिकली 50 यूनिट्स 50 यूनिट्स ऑफ वैल्यू टा हो छी केते 10 लीटर्स राइट ताले 1 यूनिट रो वैल्यू केते दैट इज 0.2 लीटर्स राइट ताले 30 यूनिट्स रो वैल्यू केते हो त हम 30 यूनिट्स वैल्यू छी 15 लीटर ठीक छ ताले 15 लीटर ऐड कराइ छी त माने ऑप्शन सी इज द आंसर फाइन सो आपन को क्लियर हेती बेटा ना गोटे मेथ मेथड कह देबी हां आ गोटे मेथड कह दू जे आपन क्लियर होनी देखो मिल्क कंटेंस 5% वाटर हम ऐड कर चंती मिल्क ऐड कर चंती जे मिल्क ऐड कर चंती वाटर कांस्टेंट थिवो आपन देखंतु इनिशियली वाटर केते अछि वाटर इज 5% तले 5% 5% ऑफ व्हाट ऑफ 10 10 लीटर थिला अगरु माउट के इरेज कर दोजी अब हम क्लियर हो फर्स्ट मेथड टा मु इरेज कर दोजी ला ताकि सेकंड मेथड टा के आपन क्लियर हो ओके मेथड सफिशिएंट आपन को क्लैरिटी पे आउट मेथड कह दोजी ओके देखंतु हमें ऐड कर चंती प्योर मिल्क ताले वाटर सेम रहउची इनिशियली और फाइनली वाटर सेम रहउची आपन को इनिशियली 5% वाटर थिला ऑफ कहरो ऑफ 10 लीटर्स का 10 लीटर थिला यार एति खउची वाटर दिस इज इक्वल टू फाइनली वाटर केते अछि 2% 2% ऑफ व्हाट ऑफ 10 10 नहीं हो एठी हमें कौन कर चंती व्हाट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड त माने मिल्क ऐड कर चंती केते ऐड कर चंती जाना नहीं लेट्स अज्यूम हमें x लीटर्स प्योर मिल्क ऐड कर चंती ठीक अछि त माने 5% ऑफ 10 इक्वल टू 2% ऑफ 10 प्लस x x टा कोन प्योर मिल्क राइट एटा इक्वेशन बुझे दोस तहले परसेंट परसेंट कैंसिल हो दियाडु हला 5 * 10 होची 50 हला 50 डिवाइड बाय 2 दैट इज 25 इज इक्वल टू 10 प्लस x दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 15 राइट सो एमिति भी ऑप्शन सी असला राइट दीटा मेथड मु क्लियर हेतिबो आहुरी मेथड अछि इट इज नॉट द दीज आर नॉट द ओनली मेथड्स आहुरी मेथड हम कर पाइए बट बहुत सिंपल क्वेश्चन मा अधिक मेथड एतरे कोनियो सुरेश कैन कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ 4 सुरेश कैन कंप्लीट द जॉब इन 15 आवर्स सुरेश गुड काम करछि 15 घंटा रे तापर आशुतोष अलोन कैन
कंप्लीट द सेम जॉब इन 10 आवर्स आशुतोष करुच्ची 10 घंटे से ही काम टोटल वर्क टाइम एक एलसीएम मान दियंतु 30 जदि 30 मानली एलसीएम 15 घंटा रे 30 यूनिट काम करू तले गोटे घंटा रे केते करिवो 2 यूनिट्स काम करिवो 10 घंटा रे 30 यूनिट्स करू तले पर आवर केते करिवो 3 यूनिट करिवो एटा कोन एटा होस ताका एफिशिएंसी 2 टा होची सुरेश रो एफिशिएंसी 3 टा होची आशुतोष रो एफिशिएंसी एफिशिएंसी माने पर आवर वर्क मु सर सब जिन पढ़े टाइम एंड वर्क टॉपिक रे आपन वीडियो चेक कर दे परबे चैनल रे ठीक अछि एएसओ पे पढ़ाई थिला आपन सब वीडियो टाइम एंड वर्क रो जति पढ़ाई छ आपन चेक करिवे सब कांसेप्ट बुझिवे हैला मु डायरेक्टली सॉल्व कर बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपन को हार्डली 5 सेकंड लागे कथा 5 सेकंड्स हार्डली पेन पिक दरकार नै हैला मु बुझो छ बोली लिखु जड़ा ओके ये गला तापर कोन कहै छी सुरेश वर्कड फॉर 9 आवर्स एंड देन क्विट सुरेश 9 घंटा काम कला गोटे घंटे केते काम करूची सुरेश 2 यूनिट्स एफिशिएंसी माने होची पर आवर वर्क गोटे घंटे केते काम कला केते घंटा काम करूची सर 9 आवर्स ता माने सुरेश काम करूची 18 यूनिट ठीक अछि ताहले 9 आवर्स एंड देन क्विट तापर काम बंद कर देला ताहले बचिला केते आपन 30 यूनिट टोटल काम हम अज्यूम करथिले 18 हे गला ताहले बचिला केते आउ 12 यूनिट काम बचिला ठीक अछि ओके हाउ मेनी आवर्स विल आशुतोष टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब अलोन ओके ताहले 12 यूनिट काम बचिला आशुतोष एफिशिएंसी होची 3 माने 3 यूनिट्स पर आवर गोटे घंटे रे 3 यूनिट करूची ताहले 12 यूनिट करियो के समय लागियो 12 बाय 3 दैट इज 4 आवर्स राइट तो ऑप्शन ए इज द आंसर आपण सर टाइम एंड वर्क रो वीडियो चेक करिवे आपण को सब जिंस क्लियर हिजियो यदि कहो किछ डाउट अछ राइट फ्रॉम सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% इज डिडक्टेड एज हाउस रेंट 10% हाउस रेंट पड़ेला 15% पड़ेगा चिल्ड्रेन्स एजुकेशन ठीक अच्छे 10-15 हूँ कैसे 25% पड़ेगा 10% पड़ेगा क्लोदिंग 25+10 हूँ 35% पड़ेगा है ओके आफ्टर दिस ये सब कला एक्सपेंडिचर ही इज लेफ्ट विथ हिज 13,000 13,000 पहुँचला मैंने बेसिकली 10-15-10 मैंने 35% पड़ेगा 35% टोटल 100% 100% रु 35 पड़ेगा ताले पहुँचला केते 65% ठीक अच्छे 65% रो वैल्यू टा होची 13,000 हैला ताले 1% रो वैल्यू टा केते 200 ताले 50 जी कोन हि सैलरी हम हाल साइट 100% 100% रो वैल्यू टा केते दैट इज 20,000 ऑप्शन ए एटा पेन भी पिक करियर नथला मु खाली लेखिया खाली एटा कंप्यूटर मते लेखिया रछि आपन आगे बोली लेखुछ मु ए सब आपन मुहे मुहे सॉल्व करिवे अ सम ऑफ मनी एटा क्वेश्चन नंबर 6 आपन कर A sum of money at compound interest amounts to 2916 in 2 years. Di barsa re hochi, 2 years re hochi, 2916. Thik achi. Eta hochi amount ta sir. Hala. And 3149 in 3 years. 3 years le amount hochi apna kara 3149.28. Thik achi. Okay. Pacharchi ka what is the principal? Principal pacharchi. Okay. Principal bahar kare ami mote rate of interest bahar kare dorkar. Ta rate of interest kendi bahar karibi. अब आप फर्स्ट चेक करिवे 2 वर्ष रु 3 वर्ष भितरे केते इंक्रीज करची 2916 रु 3149.28 केते इंक्रीज हो मच डिफरेंस यार नेबे डिफरेंस सबट्रैक्शन अगेन सबट्रैक्शन केमती बहुत फास्ट करिवे एग्जाम रे कैलकुलेशन स्पीड भी दरकार तो केमती करिवे देखंतो जेमती दुकान वाला माने करंती हला 2916 रु मु फर्स्ट जीबी 3000 3000 पहुंचे को मते केते ऐड कर दरकार 84 ऐड कर दे कर मु 3000 पहुंच जेबी आउ एक्स्ट्रा के दरकार 149.28 माने प्लस 149.28 दिस इज 233.28 राइट डिफरेंस ना मुहे में कर परिम खाली बुझेली प्रोसेस है ना ओके सो एटा होच अपन डिफरेंस सो बेसिकली 233.28 रो इंक्रीज हे छि खा ऊपर 2916 ऊपर एत्ति की इंक्रीज हे छि इंक्रीज हला पर पहुंच छि 80 राइट सो एटा यार केते परसेंट 233.28 टा 2916 रो केते परसेंट बेसिकली डिनोमिनेटर टा होची बट नंबर टा सबले निजरो 100% 100% ऑफ 2916 इज 2916 अभी का मु स्मार्ट कैलकुलेशन कंदी करियो देखौ तो स्मार्ट कैलकुलेशन कंदी करियो 2916 रो 1% टा केते 29.16 1% होची 29.16 राइट अभी का 29.16 अभी का देखौ तो ए जो न्यूमरेटर टा अछि एटा केते टाइम्स तारो न्यूमरेटर टा केते टाइम्स यार मु 100% टा निजर नंबर निजे 10% हाउची 291.6 1% हाउची 29.16 अबिका यार 8% टा होनी के 233.28
isn't it? আমরা বুঝবো যদি নেই, তার মানে দিস ইজ বেসিক্যালি 8%, রাইট? ক্লিয়ার? তার মানে আর টা দিস ইজ বেসিক্যালি আর রেট অফ ইন্টারেস্ট বাড়লে 8%। আপনার ক্লিয়ার হয়ে যায় না? গোটে স্মার্ট ক্যালকুলেশন আপনার বতাইলি কেমিতি করিবে, সবার ডিনোমিনেটর 10% কি 1% বাহার করিবে, তারপর চেক করিবে নিউমারেটরটা কেতে টাইমস হচ্ছে, হেলা? দিস ইজ স্মার্ট ক্যালকুলেশন টেকনিক, হেলা? ওকে, আর টা বাহারলে আপনার 8%, যদি আর টা 8% বাহারলা তার মানে বেসিক্যালি টিকে ইরেজ করছি এটি। যদি রেট অফ ইন্টারেস্ট আপনার 8% বাহারলা তাহলে মু কহিপারিবি প্রিন্সিপাল কোন জানা নাই, হেলা? 8% ইনক্রিজ করছি, 2 বছরের অ্যামাউন্ট হচ্ছে 2916, মানে 108/100 স্কোয়ার ইকুয়াল টু 2916। কিছু করনি স্যার, খালি পরসেন্টেজ ইনক্রিজ করছি আর কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করছি, হেলা? কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ফর্মুলাটা বেসিক্যালি পরসেন্টেজ ইনক্রিজ দুইথর হয়েছে, এই পাই 108/100 স্কোয়ার লাগিলা, হেলা? দ্যাট ইমপ্লাইজ পিটা কেতে 2916 ইনটু 100 স্কোয়ার ডিভাইড বাই 108 ইনটু 108, এই স্কোয়ারটাকে ভাঙি দেলি, হেলা? ওকে, অবিকে আপনি জানি জানতি 108 2916 ক্যানসেল করলে কেতে হচ্ছে, দিস ইজ 27, রাইট? 27 রে 108 ক্যানসেল করলে কেতে হচ্ছে, দিস ইজ 4, অবিকে 4 রে 100 স্কোয়ার ক্যানসেল করলে কেতে হচ্ছে, দিস ইজ 2500, রাইট? সো আনসার হচ্ছে আপনাদের 2500, আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার, রাইট? ফার্স্ট ভিডিওটাকে পজ করন্তু, নিজে সলভ করন্তু, তারপরে দেখিবে মো সলিউশন, মো অ্যাপ্রোচ কোন নোজ, রাইট? ওকে, কোন কইছি কোশ্চেন, স্টার্টিং উইথ ইনিশিয়াল স্পিড অফ 30 কিলোমিটার পার আওয়ার, দ্য স্পিড ইজ ইনক্রিজড বাই 4 কিলোমিটার পার আওয়ার এভরি 2 আওয়ার্স, প্রতি 2 ঘন্টারে 4 কিলোমিটার পার আওয়ার বড়িলা, হাউ মেনি আওয়ার্স উইল ইট টেক টু কভার 288 কিলোমিটার, 288 কিলোমিটার কভার করিব কেতে ঘন্টা লাগিব, হাউ মেনি আওয়ার্স মানে কেতে ঘন্টা, মানে টাইম কথা পচারছি, ওকে ওকে, গোটে কাম করছি লিখি দেছি এটি স্পিড, দিস ইজ নট আ ইজি কোশ্চেন, টিকে আপনার টিকে দিমাগ লগাইব পড়িব, বট মু আপনার বুঝাউছি বহুত ভালরে বুঝাই, তাই আপনার বুঝিপারিবে, ওকে, সো সিম্পল বট আপনার টিকে মাইন্ড লগাইব পড়িব, ওকে, স্পিড কোন ইনিশিয়াল আছে 30 কিলোমিটার পার আওয়ার, ঠিক আছে, ওকে, দ্য স্পিড ইজ ইনক্রিজড বাই 4 কিলোমিটার পার আওয়ার এভরি 2 আওয়ার্স, মানে ইনিশিয়ালি 2 ঘন্টা যায় চালিব 30 কিলোমিটার পার আওয়ার রে, 2 ঘন্টা পরে 4 কিলোমিটার বড়িব, 4 কিলোমিটার পার আওয়ার বড়িব, 2 আওয়ার্স চালিলা 30 কিলোমিটার, তাহলে ডিস্টান্স কেতে কভার কলা, 60 কিলোমিটার কভার কলা, রাইট? অবিকা 2 ঘন্টা হয়ে গলা, 2 ঘন্টা পরে স্পিড আপনার 4 কিলোমিটার পার আওয়ার বড়ি যাব, মানে স্পিড 34 কিলোমিটার পার আওয়ার হয়ে গলা 2 ঘন্টা পরে, অবিকা এই স্পিড রে 2 ঘন্টা চালিব, হেলা? এই স্পিড রে 2 আওয়ার্স চালিব কি না, 2 আওয়ার্স চালিব, তার মানে কত ডিস্টেন্স যাব, স্পিড অন টাইম হচ্ছে 68 কিলোমিটার যাব এই স্পিড রে, অবিকা 2 ঘন্টা হয়ে গলা, তারপরে স্পিড এগেন আপনার আউ 4 কিলোমিটার পার আওয়ার বড়ি যাব, মানে কত হয়ে যাব, 38 কিলোমিটার পার আওয়ার হয়ে যাব, 38 কিলোমিটার পার আওয়ার হয়ে যাব, হেলা? অবিকা 38 কিলোমিটার পার আওয়ার রে এগেন 2 আওয়ার্স চালিব, তার মানে কত, দিস ইজ 76 কিলোমিটার হয়ে গলা, রাইট? 2 ঘন্টা হয়ে গেল, অবিকা এগেন স্পিড বড়ি যাব আউ 4 কিলোমিটার পার আওয়ার, দিস ইজ এগেন হাউ মাচ, 4 আর দিলে 42 কিলোমিটার পার আওয়ার রে 2 আওয়ার্স চালিব, দিস ইজ এগেন 84 কিলোমিটার, রাইট? অবিকা আপনার আগে যাবার নাই, মু কেমিতি জাজ কলি, 68 60 68 70 80, হেলা? মানে 60 × 4 হচ্ছে 240, হেলা? ওটা বড়ি বড়ি চালছি মানে মু জানিছি 4 আগে মতো যাবার নাই, হেলা? এইটি অ্যাড করে দিন কত হচ্ছে দেখুন, 8 6 4 4 6 2 8 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
परसेंट वाटर टाइम 75%, ताले मिल्क हो 25%, तमन रेशियो के थे 1:3, अरे 25:75, मोर की 1:3, सेट लग दिली मुँह, हला, ओके, इफ इन 60 ग्राम ऑफ मिक्सचर, ओके, ताले मिक्सचर टाइम 60 ग्राम, जैसे 60 ग्राम मिक्सचर हो ची, 60 ग्राम तो भांगी जाम तो ये रेशियो रे, 60 ग्राम तो यदि भांगी भी 1:3 रे, ताले कितने हो, 15:45, राइट, 15 ग्राम हो ची, अपन तो मिल्क, अब इटा हो ची, 45 हो ची वाटर, ठीक अच्छे मे बी आइसक्रीम अच्छी कौन अच्छी ग्राम ये कर ओके ये गला
तापरे इफ इन 60 ग्राम ऑफ मिक्सचर 15 ग्राम ऑफ वाटर वाज एडेड 15 ग्राम वाटर ऐड करले माने वाटर थिला केते 45 थिला 45 से 15 ऐड करिया ताले केते हे गला दिस इज 60 आ मिल्क तो किछ ऐड करना थे मिल्क रहला 15 ताले रेशियो अभिया केते हेला देखंतु दिस इज 1:4 पचार छी कोन व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ वाटर वाटर रो परसेंटेज केते हो वाटर ता छी 4 पार्ट्स मिल्क होची 1 पार्ट माने 4/5 दैट इज 80% ओके सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 आपण को कहि छी रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 7:5 ओके लेंथ टू ब्रेथ रेशियो होची 7:5 ओके इफ ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज 38 मीटर लेस देन लेंथ ओके ब्रेथ और लेंथ रो डिफरेंस टा 38 माने ए जो 2 यूनिट्स रो गैप टा होची बेसिकली 38 ताले 1 यूनिट रो वैल्यू केते 19 राइट ओके पचा छी कोन व्हाट इज द पेरिमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट पेरिमीटर फार्मूला में जान जल्दी 2l + b ता माने l टा होची केते 7 एटा 5 ता माने 2 * 12 दैट इज 24 यूनिट राइट 1 यूनिट रो वैल्यू होची 19 यदि 1 यूनिट रो वैल्यू 19 ताले टोटल केते हबो 24 * 19 केते हबो ताले आंसर 24 * 20 होची 480 480 - 24 दैट इज 456 राइट सो ऑप्शन सी ओके क्वेश्चन नंबर 10 कोन कहि छी इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट एंड 5 टीचर ओके स्टूडेंट्स होचंती 60 टीचर 5 होचंती ओके ईच स्टूडेंट प्रति स्टूडेंट गॉट सम स्वीट्स किछ स्वीट्स पाइला दैट आर 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओके माने ईच स्टूडेंट गॉट सम स्वीट्स दैट आर 15% ऑफ टोटल नंबर स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट अछन केते 60 60 रो 15% 60 रो 10% केते 6 6 आ 5% केते हो 3 ता माने 60 रो 15% केते 15% होची 9 आपण कॅल्क्युलेशन जाणि पाले तो मु केमती कली 60 रो 10% केते 6 5% केते हो 3 ताले 15% केते हो 9 हो ठीक अछि ओके ईच स्टूडेंट गॉट 9 स्वीट्स ताले अछन स्टूडेंट केतरा 60 स्टूडेंट अछन ताले टोटल स्वीट्स केते पाइबे 60 * 9 दैट इज 540 स्वीट्स स्टूडेंट्स माने पाइबे आपण को क्लियर होतो ओके ये गला ईच टीचर गॉट सम स्वीट्स दैट आर 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट्स अछन केते 60 60 रो 25% माने 1/4 माने 15 15 टा स्वीट्स प्रति टीचर पाइला टीचर अछन केते 5 टा अछन ता माने टोटल स्वीट्स केते हो दैट इज 75 ओके क्वेश्चन पछि कोन फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स ओके ता माने टीचर माने पाइले 75 स्वीट्स स्टूडेंट्स माने पाइले 540 स्वीट्स ऐड कर देबे दैट इज 75 प्लस 540 से 60 ऐड करले 600 आ 15 दैट इज 615 सॉरी एटा नो एट ऑप्शन ई ओके सो आई होप आपन सब क्लियर हला फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हमें कर देले अबिका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हमें काली करिया ठीक है थैंक यू सो मच